दोस्तों सेट से खबर सामने आ रही है कि बिग बॉस के घर के अंदर मुस्कान के बाद एक और इविक्शन हुआ है और ये इविक्शन जानबूझकर किया गया। हो सकता है कि ये जिनका इविक्शन हुआ है उनकी रीएंट्री करवाई जाए या फिर कोई वाइल्ड कार्ड की जगह कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। अगर मैं फिलहाल आपको बताऊं तो तमाम बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और तमाम तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि भाई इस बार ये जो शो है, मतलब क्लियरली रजत हो या फिर करणवीर हो, विवियन हो, ये कुछ ही नाम है जो बहुत ज़्यादा आउटकम हो रहे हैं और शाइन कर रहे हैं। लेकिन एक और नाम है जिसको शाइन करना चाहिए था और वो शाइन कर नहीं पाई और शायद इसी के चलते उनको शो के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नाम है नायरा बैनर्जी का। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हम एज फीफा फूज इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसी खबरें सेट पर हो रही, ऐसी बातें सेट पर हो रही हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैल गई हैं कि नायरा बैनर्जी जो है उनको बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया है ड्यू टू हर लो परफॉर्मेंस। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन रखकर नायरा बैनर्जी को घर के अंदर भेजा गया था, नायरा उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई हैं। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि नायरा की रीएंट्री होती है या नहीं होती है या फिर नायरा की जगह कोई वाइल्ड कार्ड आता है। इसका तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।